रात को कर्मचारी चादर तान कर सो रहे हो, पैर फैलाकर और पहुंच जाए डिप्टी सीएम। जी हाँ, चौकिए नहीं, ये हकीकत है। और हकीकत है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की। वैसे एक बात तो है, तेजस्वी यादव का निरीक्षण करने का अंदाज अलग ही है। ना शो ऑफ ना ही कैमरा, रात के अंधेरे में पहुंच जाते हैं अस्पताल को निरीक्षण करने के लिए। वैसे उनका ये अंदाज उनकी जनता को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, बाकी किसी को आए या ना आए, क्योंकि इस तरह से डिप्टी सीएम सीधा जनता से मुखातिब होते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं कि अस्पताल में क्या दिक्कत है। वैसे रात के अंधेरे में अपने फर्ज को निभाने निकले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल अब जो ट्वीट किए गए हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये पूरी कहानी क्या है और इसमें किस तरह से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अस्पताल में जो अव्यवस्थाएं दिखी, जो गंदगी दिखी, उन सभी चीजों को लेकर कैसे फटकार लगाई है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो ट्वीट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें आप ये देखिए कि किस तरह से इस पूरे मामले को ट्वीट किया गया है। दरअसल तेजस्वी यादव की तरफ से ही इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दी गई है और पहला ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। नगर विकास एवं आवास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा कचरा प्रबंधन, एंटी लार्वा फॉगिंग तथा जाँच कर निरंतर इलाज किया जा रहा है। अस्पतालों में जाँच और बेड की संख्या बढ़ाई गई है। ये जो है तेजस्वी यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है। वहीं दूसरा जो ट्वीट है वो भी तेजस्वी यादव की तरफ से ही किया गया है, जिसमें कुछ फोटोज हैं। पहले ट्वीट पढ़कर बता देते हैं, उसके बाद हम आपको फोटो दिखाते हैं। लिखा गया है, डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए आज स्वास्थ्य विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सरकार द्वारा अंतर विभागीय समन्वय स्थापित कर स्वच्छता अभियान पर विशेष ध्यान देकर डेंगू का रोकथाम, उपचार और नियंत्रण किया जा रहा है। ये तेजस्वी यादव की तरफ से लिखा गया। पहली तस्वीर में देखिए आप तेजस्वी यादव कुछ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में जो तेजस्वी यादव हैं वो बाकी लोगों को सलाह मशवरा जो भी है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर जो है उसमें कई सारे लोग हैं जो भी इस विभाग से जुड़े हुए हैं या फिर जो भी लोग हैं जिनसे राय मशवरा लेना चाहिए, उन सभी लोगों के साथ तेजस्वी यादव मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद चौथी जो तस्वीर है उसमें भी कुछ इसी तरीके का नजारा आप देखेंगे। इसके बाद जो अगला ट्वीट है वो भी तेजस्वी यादव की तरफ से ही किया गया है। उसमें एक वीडियो है जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप वीडियो देखिए और देखिए कि किस तरह से तेजस्वी यादव डॉक्टर्स के साथ आते हैं और मरीज जहां पर लेटा हुआ है उसके पास आते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। उसके बाद फिर आगे जाते हुए पूरा ये वीडियो है, फिर औषधि विभाग में पहुंच जाते हैं तेजस्वी यादव और वहां का निरीक्षण करते हैं, डॉक्टर्स लेकर जा रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं। एक जगह पर गंदगी दिखाई दे रही है, वहां पर तेजस्वी यादव ने रुक कर डॉक्टर से पूछा कि ये गंदगी क्यों है, क्यों यहाँ पर इस तरह का गंदगी फैला हुआ है जो साफ नहीं कराया गया और ये टूटा फूटा क्यों पड़ा हुआ है। इसके अलावा वो झाँक कर जालियों से भी देखते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई चीज छूट ना जाए। फिर वार्ड में पहुंच जाते हैं और वार्ड में साफ तौर पर देखिए कि मरीज जो हैं वो लेटे हुए हैं। फिर तेजस्वी यादव सबके बारे में पूछते हैं कि यहाँ पर किस किस चीज लोगों को क्या क्या दिक्कत है और लोगों से भी बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव नजर आते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव की तरफ से जो लिखा गया है वो भी आपके स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है, कल रात नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित वरीय अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया। वहां पर भर्ती मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं का फीडबैक लिया। ये तेजस्वी यादव की तरफ से लिखा गया। एक दूसरा जो ट्वीट है वो इंडिया की तरफ से इस पूरे वीडियो को शेयर किया गया है। जो वीडियो अभी हमने आपको बताया तेजस्वी यादव ने जो वीडियो शेयर किया था वही वीडियो है, लेकिन इसमें कुछ जो चीजें हैं वो अलग नजर आएंगी, जिसमें जो आम मरीज हैं जो भर्ती थे वहां पर उनसे बात करते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं और बोलते हैं हाँ हाँ सारी चीजें हमने देख ली हैं, अब जो आगे की कार्रवाई है उसके लिए हम आदेश दे देंगे। लिखा गया है, डेंगू के कहर के बीच तेजस्वी यादव ने अस्पताल में मरीजों से जाना हाल और अनसीन इंडिया ने इसको पूरा शेयर किया है। पीछे पीछे आपके सामने
अब आपको बताते हैं कि उप मुख्यमंत्री जो है वो किस तरह से रात के अंधेरे में निकलकर हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। ये पूरा मामला जो है वो कल रात का है, जहां पर अचानक पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी NMCH पहुंचने से हड़कंप मच गया। जो वहां पर डॉक्टर्स थे, जो अधिकारी थे बड़े बड़े, उन सभी लोगों में पूरी तरह से खलबली मच गई कि अचानक से तेजस्वी यादव कैसे आ गए। वहीं इमरजेंसी में प्रवेश करने के दौरान ही स्वास्थ्य मंत्री सीधे मेडिसिन विभाग चले गए और वहां पर जाकर मरीजों के साथ डेंगू मरीजों को भर्ती देखकर भड़क गए कि इस तरह की चीजें क्यों हो रही है, क्यों यहां पर पूरी तरह से प्रॉपर जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हुई है, मरीजों को इस तरह से क्यों रखा गया है। मरीजों ने अस्पताल के डॉक्टर और नर्स जो है वो उनके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, कैसा उनके साथ सुलूक करते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने बताई और कहा कि नर्स और डॉक्टर हमसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, अच्छा सुलूक हमारे साथ नहीं करते हैं। ये भी कहा कि हॉस्पिटल से कुछ दवाइयां नहीं मिलती हैं। मेडिसिन विभाग में डायलिसिस के लिए भर्ती एक मरीज ने अपनी समस्या सुनाई तो स्वास्थ्य मंत्री ने साथ में मौजूद विभाग के अपर प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, कौशल किशोर समेत अन्य पदाधिकारियों से वक्त वक्त पर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर चिकित्सा सेवा और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने का साफ तौर पर निर्देश दे दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को जरूरी सुविधाएं और सेवाएं मुहैया कराई जाएं। निरीक्षण के दौरान मौजूद अस्पताल के अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह और प्राचार्य डॉक्टर हीरालाल महतो ने उन्हें अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता के बारे में जवाब दिया। सामान्य मरीजों के साथ डेंगू मरीजों को भर्ती किए जाने के संबंध में अधीक्षक ने कहा कि डेंगू मरीज के लिए मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में 75 बेड की अलग व्यवस्था की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल में जगह की बेहद ही कमी है, इस कारण क्षमता से अधिक मरीजों को भर्ती करना उनकी मजबूरी है। स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से कहा कि अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों द्वारा रात में इलाज किया जाता है। इस पर अधीक्षक ने कहा कि सीनियर डॉक्टर काल जो है वो छुट्टी पर मौजूद रहते हैं, आवश्यकता पड़ने पर सूचना मिलते ही अस्पताल में पहुंच जाते हैं। मरीजों ने अस्पताल की बाकी व्यवस्थाओं के बारे में भी स्वास्थ्य मंत्री से अवगत कराया और बताया कि यहाँ पर गंदगी से लेकर जो भी मरीज ज्यादा भर्ती किए जा रहे हैं उन सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया। अस्पताल परिसर में जो जल जमाव की व्यवस्था है उस पर भी स्वास्थ्य मंत्री ने अधीक्षक से सवाल पूछा। अधीक्षक ने कहा कि नमामि गंगे योजना के तहत अस्पताल के बाहर चल रहे काम के कारण नाले का पानी अक्सर उबल पड़ता है। डायलिसिस कराने के लिए मेडिसिन विभाग में भर्ती एक मरीज ने राशन कार्ड दिखाते हुए कहा कि उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब तलब किया कि मरीज को आयुष्मान योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। मरीज के पास आयुष्मान योजना लाभ के लिए कार्ड उपलब्ध नहीं था। करीब आधा घंटा तक अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री चिकित्सा सेवा और व्यवस्था दुरुस्त किए जाने का जो है निर्देश देते हुए वहां से निकल गए। स्वास्थ्य मंत्री के अस्पताल पहुंचने पर उनके समर्थन में मरीजों और जो वहां पर तीमारदार मौजूद थे उन लोगों ने काफी ज्यादा नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अगर मुझे जमीनी जो है तेजस्वी यादव ने कहा कि जमीनी सच्चाई और कमियों का ही नहीं पता होगा तो उन्हें दूर कैसे करूंगा, इसलिए मैंने स्वयं धरातल पर जाकर निरीक्षण किया और मरीजों से मिलकर खामियों को दूर करने की ईमानदार कोशिश कर रहा हूं और इसमें हमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। आपको बता दें सरकारी अस्पतालों की विशेष व्यवस्था देखने पहुंचे तेजस्वी यादव PMCH, जहां पर डेंगू रोकथाम के लिए तेजस्वी ने समीक्षा बैठक भी की और सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए उन्होंने इसकी जानकारी भी दी। लिखा कि विभाग के अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल में जाकर जो भी चीजें वहां पर थी उन सबको देखा और उन सबको दुरुस्त करने के लिए कड़े निर्देश दे दिए हैं। इससे पहले आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने इसी तरह से भेष बदल कर अपना PMCH सहित 3 अस्पतालों का निरीक्षण पिछले महीने किया था। उस वक्त भी वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे थे, चर्चाएं हुई थी। अगर कोई डिप्टी CM अपनी जो जिम्मेदारी है, अपना जो फर्ज है, वो सच में कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाना चाहता है तो वो डिप्टी CM तेजस्वी यादव से सीखना चाहिए और जो मुंह चुराते फिरते हैं उन सभी को इनसे सबक लेना चाहिए कि किस तरह से सुविधाओं को दुरुस्त किया जाता है और आम जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को जाना जाता है। और यही एक बार फिर से तेजस्वी यादव का जो अंदाज है वो दोबारा से देखने को मिला है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर तेजस्वी यादव के इस तरह से आधी रात में जाकर निरीक्षण करने पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।